हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में हम लोगों ने एक बड़ा ही इजी इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट किया था, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। यानी इन्वेंट्री यानी स्टॉक का वैल्यूएशन हम लोग कैसे करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का सारा कॉन्सेप्ट देखा, बेसिक्स क्या है, फीचर्स वगैरह देखा, मेथड देखा, सिस्टम पर बात किया हम लोगों ने, और एक मेथड हम लोगों ने फीफो मेथड यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पर हम लोगों ने चर्चा किया, एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया। आज हम लोग लिफो LIFO यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट वाला जो मेथड है हम लोग सीखेंगे, दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होने वाला है, वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर लेजर। तो हम लोगों को स्टोर लेजर बनाना है, स्टोर अकाउंट, स्टोर लेजर जो भी, और मेथड हम लोग को अप्लाई करना है लास्ट इन फर्स्ट आउट यानी लिफो मेथड हम लोग को अप्लाई करना है। और ये रहा डेट, इस डेट को जो है गुड्स आपका परचेज किया गया है, परचेज यानी हम लोगों ने रिसिप्ट किया है और इस डेट को इशू किया गया है। चलो फटाफट से अब हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं। स्टोर लेजर, लिफो मेथड से हम लोग बनाएंगे। ये हम लोग तीन कॉलम बना लेंगे, फर्स्ट कॉलम में तो डेट डालना है, सेकंड कॉलम में रिसिप्ट्स, इश्यूज और बैलेंस। इसके अंदर अंदर हम लोगों को सब डिवीजन करना है, तीन कॉलम बना लेना है। पहला तो हो जाएगा आपका यूनिट्स, फिर रेट, फिर अमाउंट या फिर वैल्यू। यूनिट्स, रेट, अमाउंट, यूनिट्स, रेट और अमाउंट। चलो जी, डेट वाइज यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही हम लोग को सारा एंट्री करना है। तो सबसे पहले तो आपका है ये अगस्त 3 को है, 2010 अगस्त 3 को, 3 अगस्त को 750 केजी हम लोगों ने, अच्छा यूनिट जो है ये केजी में है, 750 केजी हम लोगों ने माल खरीदा है 2 रुपये के भाव से। 750 यूनिट माल खरीदा है 2 रुपये के भाव से, ये हो जाएगा 1500 रुपया। आज हम लोगों ने कुछ इश्यू नहीं किया है तो यही 750 यूनिट जो है 2 रुपये के भाव वाला 1500 रुपये अमाउंट का यानी वैल्यू का माल हमारे पास रहेगा, ये हमारा बैलेंस है। इसके बाद 3 के बाद है आपका फिर 18 को है, 18 को 350 यूनिट हम लोगों ने 2 रुपया 10 पैसे वाला खरीदा है, 350 यूनिट 2 रुपया 10 पैसे वाला माल खरीदा है ये अगस्त 18 को, 2 रुपया 10 पैसा से ये हो जाएगा 735 रुपया। आज हमारे पास जो बैलेंस है ये पहले वाला जो है 750 यूनिट 2 रुपये माल 2 रुपये भाव वाला ये तो रहेगा ही, और आज हम लोगों ने 350 यूनिट जो 2 रुपया 10 पैसे वाला जो माल खरीदा है, 735 रुपये का माल
ये भी हमारे पास स्टॉक में रहेगा, दो तरह का माल। अब 18 के बाद आपका 19 को है, 850 यूनिट हम लोगों ने इशू किया है। को 850 यूनिट जो हम लोग इशू करेंगे, आप ध्यान दीजिए हमारे पास दो तरह का माल है। हम लोगों का मेथड है लिफो, लिफो यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो लास्ट में आया है, आखिरी में आया है, उसको पहले हम लोगों को इशू करना है। तो ऐसे मेथड में ना हम लोग स्टॉक जो हमारा बैलेंस है इसमें हम लोग चेक करेंगे और नीचे से हम लोग इशू करेंगे। नीचे से यानी 350 यूनिट पहले हम लोग इशू कर देंगे। 350 यूनिट तो 2 रुपये वाला हो गया, 700 रुपये का करना है इशू हम लोगों को, 850 यूनिट, तो 350 तो ये पूरा का पूरा हो गया, और 500 यूनिट करना है, तो 500 यूनिट अब हम लोग इशू करेंगे 2 रुपया 10 पैसे वाला। तो फिर 2 रुपया 10 पैसा इंटू 500, ये हो गया 1050, 1050 रुपये वैल्यू का हम लोगों ने इशू कर दिया। आज हमारे पास जो बैलेंस बचेगा, ये 2 रुपये 10 पैसा वाला पूरा हम लोगों ने ख़त्म कर दिया, इशू कर दिया। 750 में से हम लोगों ने 500 यूनिट इशू कर दिया है, बचा है 250 यूनिट 2 रुपये वाला माल, तो ये 500 रुपये का माल हमारे पास बचा है। आगे आइए, 19 के बाद अब 25 को हम लोगों ने 600 यूनिट 2 रुपया 20 पैसा वाला माल खरीदा है। छः सौ यूनिट इंटू दो रुपया बीस पैसा ये हो जाएगा 1320। अब हमारे पास जो माल बचा रहेगा, देखिए ये 250 यूनिट जो है 2 रुपये वाला, ये तो हमारे पास बचा रहेगा ही, बैलेंस में ये आएगा ही। और नया जो हम लोगों ने ख़रीदा है ये 2 रुपया 20 पैसे वाला 600 यूनिट, 1320 रुपया वैल्यू इसका होता है। अब दो तरह का माल हमारे पास बैलेंस में रहेगा। इसके बाद 25 के बाद अब हमारा है 25 के बाद 26 को हम लोगों ने 750 यूनिट इशू किया है, 26 को 450 यूनिट, 26 को हम लोगों ने इशू किया है 450 यूनिट। तो हम लोगों को लिफो मेथड है तो नीचे से हम लोग इशू करेंगे, तो ये 600 यूनिट है, अकेला इससे 450 यूनिट हम लोग इशू कर सकते हैं, इकट्ठे 450 यूनिट इशू कर देंगे 2 रुपया 20 पैसे वाला माल। तो ये हो जाएगा हमारा 450 इंटू 2 रुपया 20 पैसा, ये 990 रुपये का हो गया, 990। अब हमारे पास बचा हुआ क्या है, ये 250 यूनिट जो है 2 रुपये वाला, ये तो हमारे पास बैलेंस है ही, और इस 600 यूनिट में से हम लोगों ने 450 यूनिट इशू किया था, तो 150 यूनिट ये बचा हुआ है 2 रुपया 20 पैसे वाला, ये 500 और ये 2.2 इंटू 150, ये 330 रुपये का माल बचा हुआ है। दो तरह का माल बचा है अपने पास। अब आगे 26 के बाद, 26 के बाद फिर आपका है 28 को हम लोगों ने 500 यूनिट 2 रुपया 30 पैसा वाला परचेज किया है, 500 यूनिट 28 को 500 यूनिट 2 रुपया 30 पैसा वाला हम लोगों ने परचेज किया है, 2 रुपया 30 पैसा इंटू 500, 1150 रुपये का माल हम लोगों ने खरीदा है। चलो जी,
तो अब हमारे पास जो बैलेंस बचेगा ये 250 यूनिट 2 रुपये वाला, 150 यूनिट 2 रुपया 20 पैसे वाला, और ये जो नया अभी हम लोगों ने खरीदा है 500 यूनिट 2 रुपया 10 मिनट हम लोग 2 रुपया 20 पैसे वाला ले लेंगे, नीचे से चलना है 2 रुपया 20 पैसे वाला 10 यूनिट, तो ये तो पूरा 1150 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 22 रुपया। बैलेंस हमारे पास बचेगा 250 यूनिट जो है 2 रुपये वाला, ये पूरा का पूरा आपका बैलेंस बचा रहेगा। 150 में से 10 यूनिट इशू हुआ है तो 140 यूनिट आपका बचा रहेगा 2 रुपया 20 पैसे वाला। 140 इंटू 2 रुपया 20 पैसे, 308 रुपये का माल बचा रहेगा। अभी हमारे पास दो तरह का माल है,
75 यूनिट जो है आपका 2 रुपये वाला पूरा का पूरा रहेगा, 75 यूनिट 3 रुपये वाला माल आपका पूरा का पूरा रहेगा, और 560 में से हम लोगों ने 90 इशू कर दिया है तो 470 यूनिट यहाँ पर भी बचा रहेगा। 560 माइनस 90, 470 इंटू 2.5 रुपया, ये भी बैलेंस में रहेगा। 470 इंटू 2.5, 1175 का माल। तो हमारे पास अब तीन तरह का स्टॉक है जी। चलो आ जाओ 22 के बाद, अब नीचे आ जाओ आप 24 को और 31 को। पहले 24 वाला एंट्री कर लेते हैं, इधर हम लोगों ने सारा कर लिया। 24 को 10 यूनिट जो है, जो हम लोगों ने 16, ये कह रहा है कि 16 तारीख को, 16 मार्च को हम लोगों ने जो यूनिट जो भी इशू किया था उसमें का जो यूनिट इशू किया था उसमें से, उस माल में से हम लोगों को 10 यूनिट जो है माल आज रिटर्न आ चुका है। तो हम लोगों को देखना होगा कि 16 तारीख को हम लोगों ने किस भाव वाला माल, देखिए देखिए यहाँ ध्यान से 16 को, ये देखिए 16 को जो है, 16 को हम लोगों ने ये 3 रुपये वाला माल, 3 रुपये वाला भाव वाला माल हम लोगों ने इशू किया था। तो जो रिटर्न आएगा तो ये वही वाला माल रिटर्न आएगा ना, 3 रुपये वाला माल ही रिटर्न आएगा। रिटर्न जो आया है हमारे बिजनेस में उसको हम लोग स्टोर में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग 3 रुपये वाला भाव वाला ही लिखेंगे। 10 यूनिट आ गया है 30 तारीख, 24 तारीख को 30 रुपये का। अब देखो जी ये 175 यूनिट जो है 2 रुपये वाला, ये हमारे पास स्टॉक में रहेगा। 75 यूनिट जो ये 3 रुपये वाला माल है 225 रुपये का, ये भी स्टॉक में रहेगा। अच्छा 3 रुपये वाला जो है ये आपका 10 यूनिट अभी आ गया है, तो 3 रुपये वाले को 3 रुपये वाले में ऐड कर देते हैं, है ना। देखो जी तो पहले आपका 75 यूनिट था और 10 यूनिट जो भी रिटर्न आया है वो 3 रुपये वाला है, तो उसको इकट्ठा एक साथ एंट्री कर देते हैं। तो 75 और 10 85 85 हो जाएगा, ये 225 हो जाएगा। एक मिनट, इंटू 3 ये 255 हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 255। और 470 यूनिट जो है 470 यूनिट, ये 2.5 रुपये वाला, ये तो आपका रहेगा ही 1175 रुपये वाला का माल। तीन तरह का माल हमारे पास स्टॉक में है। अब लास्ट में आ जाओ जी, 31 मार्च को कहता है, 31 मार्च को कहता है कि डिफरेंस ऑफ 14 यूनिट्स, 14 यूनिट जो है ये हम लोगों को मिसिंग पाया गया है फिजिकल वेरिफिकेशन में। आ जाओ या ये काम करो, एक बार मैंने कहीं बुक में देखा था ना कि ये जो रिटर्न आया है बाद में ना, उसको बाद में अलग से ही लिखते हैं, तो इसको अलग से ही लिखो जी आप लोग भी। चलो हटाओ इसको, अलग से लिखो। ये 75 यूनिट ही रहेगा 225 का, और 10 यूनिट जो है अभी आया है ये 3 रुपये वाला, ये 30 रुपये का हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करो कि आपके पास चार तरह का माल है ऐसा। चलो जी, और अब लास्ट में 31 मार्च को जब वेरिफिकेशन किया गया, जांच किया गया, तो मालूम चला कि 14 यूनिट मिसिंग है, 14 यूनिट कम है। जब भी हमारा मिसिंग होगा या किसी भी कारण से अगर यूनिट कम पाया गया तो उसको हम लोग इशू वाले कॉलम में उसको एंट्री करेंगे, इशू वाले कॉलम में एंट्री करेंगे। आ जाओ जी, ये है 31 मार्च को इशू वाले कॉलम में करेंगे 14 यूनिट। तो नीचे से करना है तो 10 यूनिट 3 रुपये वाला, 10 यूनिट 3 रुपये वाला,
इसके बाद दो यूनिट, चार यूनिट ढाई रुपये वाला, तब तो 14 होगा, चार यूनिट ढाई रुपये वाला, ये हो जाएगा 30 रुपया, ये हो जाएगा 10 रुपया। अब हमारे पास ये तो ख़त्म हो गया, बचेगा हमारे पास 175 यूनिट 2 रुपये वाला, 75 यूनिट 3 रुपये वाला, 470 में से 4 यूनिट अभी हम लोगों का जो वेरिफिकेशन में जो लूज हम लोगों ने पाया है, कम पाया है मिसिंग, उसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 466 यूनिट ढाई रुपये वाला, ढाई रुपया इंटू 466, ढाई रुपया इंटू 466, 1165, ये हो जाएगा 1165, ये 225, 350, क्लोजिंग स्टॉक में हमारे पास इतना का माल रहेगा। अब हम लोग को फाइंड करना है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में क्या क्या है जी, तीन तरह का माल है, 175 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 350 रुपये का ये हो गया, 75 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 325 रुपये का माल ये हो गया, और 466 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 2.50, 1165 रुपये का माल ये हो गया, ऐड कर देंगे ₹1740 का माल हमारा जो है, ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ठीक है, आइए सबसे पहले तो आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से एकदम, चलो इसके बाद सॉल्यूशन का, ये तो एक साथ आ ही नहीं रहा है जी। हाँ जी, चलो बहुत छोटा दिख रहा है थोड़ा, चलो ठीक है अब ले लो फटाफट से स्क्रीनशॉट। तो आज हम लोगों ने इन्वेंटरी वैल्यूएशन में लिफो मेथड कर लिया है, अब हमारा बचा है बेस स्टॉक मेथड, एवरेज मेथड, इसमें सिंपल एवरेज, फिर वेटेड एवरेज, ये सारा कुछ बचा हुआ है, मीफो है, हीफो है, यानी मिनिमम इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब भी हम लोग कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, आज के लिए इतना ही, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग, टेक केयर, बाय।